कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आपके साथ मजाक कर जाता है और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता, और दोस्तों के साथ तो ऐसा मजाक होता ही रहता है, लेकिन कभी कभी ये मजाक इतना बड़ा मोड़ ले लेता है जो कोई जानता भी नहीं। और कुछ ऐसा ही हुआ इन दो दोस्तों के साथ, जिन्होंने एक ऐसी रात का सामना किया जो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इलाहाबाद का कीड़गंज एक ऐसा मोहल्ला माना जाता है जहां पर काफी ज्यादा भूतिया कहानियों के बारे में सुना गया है। कहा जाता है कि कुछ साल पहले देर रात में दो लड़के एक बार शादी से लौट रहे थे। दोस्तों की तरह ही वो भी कुछ हंसी मजाक करते हुए वापस आ रहे थे और वो दोनों शराब के नशे में धुत भी थे। उन्हें आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी कहीं कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो इतने ज्यादा नशे में थे। जब दोनों कीड़गंज के संत निरंकारी आश्रम के पास पहुंचे तो वहां पर एक लड़की ने उन दोनों से लिफ्ट मांगी। दोनों लड़कों ने ये सोचा इतनी रात को किसी भी लड़की की मदद कर लेनी चाहिए, और उन्होंने ये नहीं देखा कि वो जिस मोहल्ले में है वो काफी ज्यादा भूतिया माना जाता है, और फिर उन्होंने उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया। थोड़ी देर बाद बीच में बैठा लड़का उस लड़की को छेड़ने लगा। इसके बाद लड़की ने बाइक रोकने के लिए कहा। जब उस आदमी ने गाड़ी रोकी तो वो दोनों को दो तीन थप्पड़ मारकर वहां से आगे बढ़ी। ये होते ही वो दोनों वहां से भाग गए और उनका नशा अब धीरे धीरे उतर भी गया और उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी खबर लगने लगी। तब उन्हें एहसास हुआ कि वाकई में उन्हें घर पहुंचना चाहिए क्योंकि काफी रात हो चुकी है, और ये लड़की क्या पता किसी और को बुलाकर उनकी पिटाई करवा दे। थोड़ी देर बाद जब दोनों ने ये सोचा कि उन्हें इस लड़की से माफी मांगनी चाहिए तो वो उस लड़की को खोजने लगे, लेकिन दोस्तों वो कहाँ मिलने वाली। अब ये जगह बहुत डरावनी थी तो इसका मतलब इतने अंधेरे में वो अकेली लड़की किसी और को तो ढूंढ नहीं सकती, शायद ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल भी हो सकती है। अब वाकई में ये लड़की एक चुड़ैल थी या फिर इस लड़की ने इन दोनों लड़कों के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक किया था, ये आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन इलाहाबाद में इस जगह कहानियां काफी ज्यादा मशहूर हो चुकी हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसा ही कोई प्रैंक हमें देखने को मिल सकता है गोलमाल 5 में? वैसे इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच एक भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है, और जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी ना क्या धमाका होगा, वो तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही आपको हमको सभी को पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, गलती से भी नहीं। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।